प्रभात बच्चों, कक्षा 9 की हिंदी विषय के अंतर्गत आज मैं आपको रसखान रचित सवैये पढ़ाऊंगी। तो आइए सबसे पहले कवि का परिचय प्राप्त करें। रसखान जो है भक्ति काल के बहुत मुख्य कवियों में से एक हैं। इनका जन्म 1548 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और ये कृष्ण भक्ति से ऐसे मुग्ध हुए कि इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रज क्षेत्र में जाके बस गए। इनका प्रेम न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुआ है अपितु कृष्ण की भूमि, कृष्ण से संबंधित वस्तुओं से भी इनका प्रेम स्पष्ट परिलक्षित होता है। संपूर्ण काव्य में कृष्ण का रूप सौंदर्य, ब्रज क्षेत्र की महिमा, प्रेम लीलाओं का मनोहारी वर्णन इन्होंने किया है। इनकी भाषा में मार्मिकता है। इनका शब्द चयन जो है वो बहुत ही सुंदर है, व्यंजक शैली है। ब्रज भाषा में इन्होंने अपने काव्य की रचना की है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ऐसा माना जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने कृष्ण से संबंधित चर्चा इनके पास की और कहा कि ब्रज क्षेत्र में अभी भी मुरली की धुन सुनाई देती है, और ये सुनकर ये इतने प्रभावित हुए कि ब्रज क्षेत्र गए और उसके बाद कृष्ण भक्ति में ऐसा रमे कि इन्होंने ब्रज क्षेत्र को छोड़ने का कभी जो है सोचा ही नहीं, वहीं रह गए। ये कृष्ण भक्त बने, कृष्ण के प्रति इन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, कृष्ण के स्वरूप सौंदर्य का वर्णन किया। उसके बाद गोपियों से कृष्ण का संबंध और गोपियों की व्यवस्था कि वो किस प्रकार कृष्ण के रूप सौंदर्य, कृष्ण की बांसुरी के आगे विवश हो जाती हैं, कृष्ण की मुस्कान के आगे उनकी जो व्यवस्था है वो भी इन्होंने व्यक्त किया है। कृष्ण प्रेम में ये इतने डूब चुके हैं कि इनके लिए सर्वस्व जो है, संसार का कोई भी सुख, ये सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। इन्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ये सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। और इन्हें लगता है कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण की किसी वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो उसके बाद संसार का कोई धन वैभव कुछ भी जो है वो कोई भी मायने नहीं रखता है। कृष्ण की वस्तुएं जो हैं, कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण का जो सानिध्य है, उसके आगे तो तीनों लोगों का सुख, सभी सिद्धियाँ और सभी निधियाँ, सोने के महल, ये सब व्यर्थ हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। यही सब बातें इन्होंने इन सवैयों में की है। सवैये जो होते हैं वो चार पंक्ति वाले होते हैं। सवैयों के बारे में मैं आपको सवैया पढ़ाने के क्रम में फिर बताऊंगी। और इनकी जो रचनाएं हैं उसमें आपको ब्रज भाषा का जो है सरस और मनोरम प्रयोग मिलेगा। इन्होंने शब्दाडंबर नहीं किया है, यानी बेवजह के शब्दों को अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए जो है संस्कृत के शब्दों का उपयोग करना या किसी विशेष शब्द का, उन्होंने इनकी भक्तिमय प्रस्तुति है। तो आगे आपको मैं बताऊंगी। वो आज ये रसखान का परिचय था। इसको सुनकर और रसखान से इनकी रचनाओं के बारे में भी जान लें। इनकी रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका जो है ये है, प्राप्त हो हैं, जो मिली हैं, और रसखान रचनावली के नाम से भी इनकी रचनाओं का एक संग्रह मिलता है। और इनकी रचनाओं में केवल कृष्ण भक्ति जो है प्रकट हुई है। धन्यवाद।